हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री नाइजर की। वैसे तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे अक्सर किसी न किसी कंट्री में इनस्टेबिलिटी का माहौल बना रहता है, चाहे वो इनस्टेबिलिटी मिलिट्री कू से हो या फिर सिविल वॉर से। रिसेंटली नाइजीरिया में एक मिलिट्री कू हुआ है। बता दें आपको कि मिलिट्री कू क्या होता है। जब किसी भी कंट्री के एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को, जब वहाँ की मिलिट्री फोर्सफुली उस गवर्नमेंट को रिप्लेस कर देती है, तो उसे मिलिट्री कू बोलते हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को म्यांमार में देखने को मिला था। अब बात करते हैं पहले कि नाइजर क्या है, नाइजर का लोकेशन क्या है। तो नाइजर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वन ऑफ द पुअर कंट्री में आता है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की पुअरेस्ट कंट्री, वन ऑफ द पुअर कंट्री नहीं है, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में भी ये सबसे गरीब देशों की श्रेणी में है। तो बात करते हैं कि नाइजर का लोकेशन क्या है। नाइजर एक लैंडलॉक कंट्री है। आपको बता दें कि लैंडलॉक कंट्री क्या होता है। एक ऐसा कंट्री जिसका सीधा रास्ता किसी भी ओशन में ना हो या किसी भी वाटर बॉडी से ना हो, दैट इज कॉल्ड लैंडलॉक कंट्री। अब नाइजर की बात करते हैं, तो नाइजर अपना बॉर्डर शेयर करता है अल्जीरिया से, लीबिया से, सैड से, नाइजीरिया से, बेनिन से, बुर्किना फासो से और माली से। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही, हाल ही में, बुर्किना फासो और माली में भी इंस्टेबिलिटी आई थी। वहां के भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। अगर बात करें नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया की जो 80% एरिया है वो सहारा रीजन में आता है। और सहारा रीजन की भी अगर डिटेलिंग कर, तो सहारा रीजन के बेसिकली तीन पार्ट हैं। सबसे नॉर्थ वाले पार्ट को हम अर्ग बोलते हैं, जो कि सैंडी पार्ट है। अब सहारा रीजन के जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हम अर्ग बोलते हैं, दैट इज सैंडी पार्ट। मिडल वाले पार्ट को, मिडल वाला जो पोर्शन है उसको हमाडा बोलते हैं, दैट इज स्टोनी पार्ट। और सबसे साउथ वाला जो इलाका है सहारा रीजन का, उसको हम बोलते हैं साहेल रीजन, एंड साहेल रीजन इज द एरिड रीजन। अब इसका 80% जो एरिया है नाइजर का वो साहेल रीजन में आता है, मतलब सहारा रीजन के साउथ वाले पार्ट में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस कंट्री का 80% रीजन एरिड हो, उस कंट्री में ऑलरेडी कितनी इनस्टेबिलिटी होगी। अब ये इनस्टेबिलिटी आई कैसे, देखते हैं। हुआ क्या, जुलाई ऑफ 26 को नाइजीरिया में, नाइजर में एक मिलिट्री कू हुआ। और उस मिलिट्री कू में जो नाइजर के मेजर, वहाँ के मिलिट्री के जो मेजर हैं, दैट इज कॉल्ड मेजर अमाडो, उन्होंने एक टीवी पे कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने ऐसा बोला कि जो यहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो नाइजर की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो नाइजर के पुअर होने का या नाइजर के इकोनॉमिक को वीक करने का सबसे बड़ा रीजन है। इसीलिए हम नाइजर के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अभी रिप्लेस करते हैं, मतलब हम बर्खास्त करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि सडनली कभी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क कर रही हो, सडनली उसके साथ वहीं पे मिलिट्री को होता है, तो उस कंट्री में इंस्टेबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि ऑल ऑफ दैट नाइजर इज वन ऑफ द पुअर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है
कि नाइजर में ये पहला मिलिट्री कू है, इससे पहले भी नाइजर में मिलिट्री कू हुआ है। 4 or 5 times मिलिट्री कू को अटेम्प्ट किया गया है नाइजर में। और जैसा कि मैंने बताया कि अफ्रीका के सहेल रीजन में माली और बुर्किना फासो, इन दोनों कंट्री में ऑलरेडी ये चीज देखने को मिला है। अब किया क्या गया मिलिट्री कू में कि वहां की जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बाजुम, उनको डिटेन कर दिया गया। कोई भी गवर्नमेंट होती है, चाहे वो मिलिट्री डेमोक्रेटिक, माफ कीजिएगा, चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या कैसा भी गवर्नमेंट हो, वहां की पब्लिक, थोड़ी पब्लिक खुश रहती है, थोड़ी पब्लिक नाराज रहती है। आफ्टर ऑल प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। तो 2021 में जो प्रेसिडेंट बाजुम थे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, उनको क्या गया कर दिया गया, फिलहाल उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अगर नाइजीरिया के पास्ट की बात करें तो नाइजीरिया एक फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी थी, मतलब फ्रांस का गुलाम था, जो 1960 में फ्रांस से आज़ाद होता है और उसके बाद वो अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसमें इंटरनेशनल स्टांस क्या है। आफ्टर दैट, आफ्टर ऑल, इस इंस्टेबिलिटी के आने के बाद कुछ ना कुछ तो वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए फ्रांस है, तो फ्रांस की ऑलरेडी नाइजर ओवरसीज टेरिटरी रही है। अगर फ्रांस की ऑलरेडी नाइजर एक ओवरसीज टेरिटरी रही है, तो क्या फ्रांस चाहेगा कि नाइजर में कुछ ऐसा हो जिससे उसका वहां पे इन्फ्लुएंस खत्म हो? नहीं। तो ऐसे में वेस्टर्न कंट्रीज यही सोच रही हैं कि कुछ ऐसा नाइजर में न हो जिससे उनका वहां पे इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए और किसी अदर कंट्री को वहां पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाने का मौका मिले। जैसे कि मेजर अमाडो ने बोला भी है कि कू के बाद किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को नाइजीरिया में, नाइजर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओके, अब कूप का सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बताया है। क्या बोला गया कूप में कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक और सोशल गवर्नेंस में फेल है। नाइजर में वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के पुअर होने का सबसे बड़ा रीजन है, इसलिए वहाँ पे मिलिट्री को किया जा रहा है। तो आप अपना स्टांस बताएंगे कि आपका स्टांस क्या है। आफ्टर ऑल अफ्रीका कॉन्टिनेंट सबसे पुअर कॉन्टिनेंट है और वहाँ की कंट्री भी काफ़ी पुअर है, तो इंस्टेबिलिटी का माहौल अक्सर बना रहता है। तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।